निम्रा डाइव से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट प्लैटिना के बारे में, फर्स्ट टाइम लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्राई। प्लाज्मा थेरेपी आपको पता होगा कि जैसे पहले भी इससे पहले भी प्लाज्मा थेरेपी हो चुका है भारत में, और अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि प्लाज्मा थेरेपी बहुत बड़े पैमाने में करने की कोशिश किया जाना। इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी जो होने वाला है वो महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने लॉन्च किया है। COVID-19 प्रोजेक्ट इसका नाम दिया हुआ है प्रोजेक्ट प्लैटिना, और प्रोजेक्ट प्लैटिना से आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे का ये कहना है कि ये बड़े पैमाने पे COVID-19 के पीरियड पे बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि इसका फायदा SARS SARS नाम का एक वायरस था और MERS नाम का एक वायरस था, उस वायरस में भी इसको इसका काफ़ी बेनिफिट, ये टेक्निक का काफ़ी बेनिफिट लिया गया था। बहुत जन क्योर हो चुके, रिकवर हो रहे थे, तो अभी COVID-19 के पीरियड पे भी इसको बड़े पैमाने पे करने वाले हैं। और साथ ही साथ में इसको 17 हॉस्पिटल में ट्राई किया जाएगा। पहले मेडिकल कॉलेजों में ट्राई किया जाएगा, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज हैं उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको वहाँ पे कोशिश किया जाएगा। और ये पूरा पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, ये CM रिलीफ फंड से हो रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी अप्रूव किया है 21 स्टेट रन हॉस्पिटल, स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में इसको प्लाज्मा थेरेपी को ट्राई किया जाएगा, जिसमें से दो मुंबई में है, एक नायर हॉस्पिटल, एक कस्तूरबा हॉस्पिटल। फिर धीरे धीरे बाकी के 16 मेडिकल कॉलेजों में इसके ऑथराइजेशन दिया जाएगा, इसको ट्राई किया जाएगा। अभी फिलहाल में दो हॉस्पिटल में इसको ट्राई किया जाएगा, मुंबई और नायर हॉस्पिटल में, उसके बाद में बाकी के 16 हॉस्पिटल में इसको ट्राई किया जाएगा। जहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि प्लाज्मा बैंक टू फाइट डिजीज नेशनल कैपिटल विच हैज मोर देन 83 COVID-19 केसेस, 83,000 COVID-19 केसेस दिल्ली में है, तो वहाँ पे उन्होंने प्लाज्मा बैंक की कोशिश की, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ने प्लाज्मा बैंक एक स्टार्ट करने की कोशिश की। जो प्लाज्मा उसी से लिया जाता है जो ऑलरेडी जो बीमार होके इन्फेक्टेड होके फिर रिकवर होके बाहर निकलता है, उसके ब्लड से ही प्लाज्मा का एक प्लाज्मा निकाला जाता है, ब्लड से निकाला जाता है, तो उसके ब्लड से ही वो दूसरे को रिकवर करने की हेल्प कर सकता है, वो प्लाज्मा से उसको यूटिलाइज कर सकता है। हमारा न्यूज़ आपको कैसा लगा? अगर आपको और कोई न्यूज़ के बारे में देखना है तो कमेंट सेक्शन में दीजिए, हम आपको पूरी जानकारी दे दें। आज के लिए इतना ही, मैं करूँ।